का पहला ओवर पहली गेंद और गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, अंपायर के रूप में पहली बार। अगली गेंद, इस बार पल्ला चला निगाह है कहीं और, निशाना कहीं और, गेंद बल्ले को छकाती हुई, कहा जाए तो बल्लेबाज को चारों खाने चित करती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। दर्शकों से खचक हुए। अगली गेंद को रिवर्स किया है, गेंद थर्ड में पड़ने की तरफ जा रही है, गेंद का पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी लेग, लेकिन गेंद की गति खुद धीमी हो गई और बल्लेबाजों ने भागकर कितने रन अंपायर बताएंगे, एक रन। अगली गेंद को शॉर्ट गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उसे गेंद को शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गई जहां पर राजकुमार मौजूद, और गेंद को जब तक फील्ड किया था बल्लेबाजों ने भागकर आसानी से एक रन पूरा कर लिया। एक रन के सहारे स्कोर 4 रन 74 का पीछा करते हुए अभी भी और यहां से 70 रन बनाने हैं। अगली गेंद फिर से बल्ला चलाया ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर ब्रिज भूषण के द्वारा। हसवाडी और भानपुर के कप्तान टॉस कराने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, सूचना ऐसी मिली है कि अभी कई सारे दर्शक जाम में फंसे हुए हैं सिकरौल लॉक पर, जैसे ही जाम छूटेगा अभी 20 से 30 हजार दर्शक और आने वाले हैं, आप सभी का भी स्वागत रहेगा। अगली गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, खिलाड़ी तो वहां खड़े थे लेकिन वो बन गए दर्शक और गेंद चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के सहारे स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 74 का पीछा करते हुए 2 अंकों में 11 रन बिना किसी इस मैदान में चलता हुआ। अगली गेंद रिवर्स करने का प्रयास, गेंद पैरों से या बल्ले से लग कर गई है लेकिन एक रन आया, इशारे की प्रतीक्षा बैट अथवा पैड से। ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा एक गेंद बची है और ये गेंद सीधे मिड विकेट के क्षेत्र में खेल, यहां पर फील्डर मौजूद मात्र एक। भानपुर के कप्तान महोदय कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आप सभी कप्तानों कहीं भी किसी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट हो और ये गेंद लेकिन हाथ में नहीं आई, कहा जाए तो प्रयास के 100 अंक लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं। सुजीत ने भरपूर प्रयास किया था लेकिन गेंद कैरी नहीं की और बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया है। इन प्रोग्रेस आज तो खेल यहां पर दीपू, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, कोशिश तो जरूर किया था लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन, इस चौके की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन। कहा जाए तो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक स्टक ओवर की दिशा में खेला था, ओवर पिच डिलीवरी थी उसे, लॉफ्टेड शॉट थोड़ी देर गेंद हवा में थी और उसके बाद जमीन के सहारे वाइड स्लैग की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। उमेश केवल अंपायर को पार किया, राइट हैंड ओवर क्रिकेट, आज इसको खेलने यहां पर एक रन तो जरूर मिलेगा। सुजीत आ रहे हैं गेंद को फील करके जब तक से, अरे नो बॉल तो 2 रन मिला और अंपायर का इशारा है नो बॉल, 2 रन की सहायता से स्कोर पहुंचा हुआ 20 रन। जब जब और ये गेंद लेकिन कोई फायदा नहीं, मात्र 1 रन मिलेगा, वहां फील्डर दीपू मौजूद थे और इस एक विवेक के लिए अच्छी गेंद पका कर सीधे पहुंचे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर कितना है 22 रन 21 रन। भानपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ गए और इस बार गेंद को तीर के समान लॉफ्टेड शॉट खेला है अंपायर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। नाम के आगे जी लगा हुआ जाए पवन जी और टॉस के लिए है कप्तान। कैच ड्रॉप हो चुका है, ये कहा जाए तो बल्लेबाज को जीवन दान मिला है। भैया हम तक हम की पवने भी एक टॉस उड़ावे बड़ी जल्दी में फरिया देते रहें, जबरदस्ती कहा बोल क्या लेवे ना ही लेवे कोई तो बेचारा कुछ को आगे चल दी बात। हेलो हमारा ले पूछता कि क्या लेवे तो हम कहले 1000 रुपया दो, यही से तारा से ना पूछे लन
पावर स्टार है राजेश, आप देखिएगा अगली गेंद इस बार लेकिन सबके बाहर, व्हाइट का इशारा, व्हाइट के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 74 का पीछा करते हुए, व्हाइट के सहारे स्कोर 31। आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, बल्ले से लगती हुई शॉर्ट कवर की दिशा में, कप्तान ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अगली गेंद फुल टॉस और वहां उस फील्डर के पास गेंद गई है जिनके पास पैरों में जूता नहीं है और बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया है। अगली गेंद को कलाइयों के सहारे गेंद को सुनसान इलाके में खेला है, गेंद सी मारे घर से बाहर, ऐसा लग रहा गेंद की रफ्तार धीमी हो गई और उसे राजकुमार ने फील्ड किया है 30 गज माफ कीजिएगा सीमा रेखा से पहले और बल्लेबाजों ने भागकर एक जोड़ा रन पूरा कर लिया है इन दो रनों के सहारे, स्कोर 34 रन। हेलो, समय 11:30 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलता हुआ, पहली गेंद डॉट गेंद और उमेश कॉट बिहाइंड, किनारा दे बैठे हैं और उमेश की पारी का अंत हो चुका है। सामना करेंगे समीम की गेंद का और पारी किया है, इस तरह से एक रन, इस एक रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन। 39 रन और चाहिए जीतने के लिए, चौथा ओवर प्रगति पर है। ऑलराउंडर समीम दौड़ना शुरू किया राइट हैंड ओवर विकेट और यहां पर खतरा हो सकता है लेकिन फील्डर ज्यादा दूर आ गए हैं, हवा में गेंद थी लेकिन भाग्य साथ देता हुआ। अब सामना करेंगे वार्नर, देखते हैं वार्नर क्या कर दिया थे और यहां पर क्या करते हैं और यहां पर एक मौका वार्नर चले गए, कैच कर लिया है और एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया गया है और कप्तान का साथ छूट गया है, चक्की को दोहरा झटका लग गया है, भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी, फिर से नो बॉल, तनकी से तू गलती करबो अंपायर चालान काट दिया। अगली गेंद तो लग गया है हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, लगान के ऊपर से 6 रनों के लिए, फ्री हिट थी और उसे फ्री हिट के रूप में लॉन्ग ऑन के ऊपर से अब तक का इस पारी का सबसे बड़ा छक्का आता हुआ बल्ले। अगली गेंद फिर से गेंद को लॉक किया है, गेंद सीमा रेखा से पहले ही कैच कर ली जाएगी लेकिन नहीं, एक आसान सा कैच वहां पर माधव के द्वारा टपका दिया गया है, ये कैच नहीं ये मैच हो सकता है और इस तरह की फील्डिंग को हम लोग भोजपुरिया में कड़ा फील्डिंग कहते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट वार्म अप करते हुए 12 गेंदें 29 रन, पहली गेंद और पैरों पर उसे इशारे की प्रतीक्षा, बैट अथवा पैड से रन आया है, ऐसा लग रहा है कि गेंद बल्ले से लगकर गई थी, स्कोर 46 रन जीतने के लिए और 11 गेंदों में 28 रन। अगली गेंद बल्ला चलाया, फिर से गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में, बिहारी के हाथों में चली गई विकेट खेलने की बनावट। अगली गेंद को खेला है, गेंद फलक में, चार फलक में और एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया गया है, रनों के प्रयास में कहा जाए नो बॉल, इसी बीच नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट बल्लेबाज के लिए, इस मुश्किल परिस्थितियों में एक नो बॉल आया है और चक्की के लिए नो बॉल नहीं, एक कहा जाए तो बॉन बीटे का काम करेगा। राजू साहेब, राजू भैया, खिलाड़ी खाना नहीं खाए होंगे, आप सभी खाना खा सकते हैं, इस बार गेंद को खेला है, फ्री हिट का मौका था, ड्राइव किया गेंद लॉन्ग ऑफ पर गई है, वहां दीपू बताने की जरूरत नहीं कैसे दौड़ रहे हैं बल्लेबाजों ने, भागकर एक रन पूरा कर लिया है। अगली गेंद को रिवर्स किया है लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, रचनात्मक शॉट खेलने के लिए गए थे, रन नहीं आया, कोई रन नहीं, सबसे बड़ी की बात एक डॉट गेंद आ गई है, अच्छा ओवर घटता हुआ अब तक टीम के लिए। अगली गेंद को खेला है, दर्शक खिलाड़ी खड़े हैं, बन जाएंगे दर्शक और गेंद गिरेगी सीमा रेखा से बाहर, सीधा लॉन्ग के ऊपर से 6 रनों के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, उसे गेंद को कहा जाए तो पड़ा भी और छक्का जड़ा भी, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन अब जीतने के लिए और 20 रन बनाने हैं। अगली गेंद फिर से बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, वाइड का इशारा, जीतने के लिए अब 19 रन लगातार।
अगली गेंद, गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद पैरों से लगी है, रन भाग रहे खिलाड़ी, रन आउट का मौका, आउट। ब्रिजभूषण की उंगलियां हवा में, ब्रिजभूषण की अगर बात की जाए तो अब तक जितने भी अंपायर अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं उनमें सबसे भारी भरकम शरीर के अंपायर ब्रिजभूषण, उन्होंने उंगली हवा में इशारा करके बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। इतना बड़ा दबाव क्या वो झेल पाएंगे, पहली गेंद पैरों पर और बेहतरीन गेंद, तेज गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधी रही थी, पैरों से रखकर गई थी, रख सकता है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन और दोनों बाजू में हवा में, अगली गेंद खेला है, लेफ्ट शॉट गिरेगी प्रिंस के हाथों में, प्रिंस उन्होंने कोई गलती नहीं की, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए बल्लेबाज मोहन, मोहन के लिए 3 गेंदें 17 रन, अब हर गेंद पर छक्का लगाना होगा, आई थिंक और विकेटकीपर बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद पीछे गई है, कितने रन अंपायर बताएंगे, 4 रन, बल्ले या बाई से अंपायर, लेबो का यार बाई का इशारा आता हुआ अंपायर ब्रिजभूषण के द्वारा, 2 गेंदें 13 रन, 2 गेंदें 13 रन, 2 छक्का लगे तो टाई हो बराबर हो, ओकरा बाद 1 ओवर के सुपर ओवर, बल्लेबाज को चारों खाने चित कर दिया है, बॉक्सर के पक्ष में अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालते हैं माधव, अगले मैच में जिस टीम का फील्डिंग है फील्डिंग के लिए तैयार रहेंगे, और इस तरह से 12 रन से जीत हासिल हुई और सेमीफाइनल का बर्थ कंफर्म कर लिया है, दोनों टीमों के खिलाड़ी खाना खाने के लिए।